हेलो एवरीवन, वेलकम टू geetakinu.com। geetakinu.com में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ आप लोगों को। आप जैसे जानते हैं कि दशहरे का मेला चल रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मेला ले चलो। तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है उन्हें कहीं घुमाने का, तो मुझे लगा क्यों ना उन्हें मेला ही घुमा दिया जाए। तो आज मैं जा रही थी उन्हें मेला घुमाने और मुझे लगा क्यों ना एक व्लॉग शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को भी ले चलती हूं अपने साथ मेले घुमाने। अब मैं आपको मिलवाने वाली हूं अपनी सिस्टर इन लॉ से। ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर इन लॉ है। वैसे मेरी 3 सिस्टर इन लॉ है, ये सबसे छोटी वाली है। तो ये भी हमारे साथ मेला घूमने जा रही है। तो ये आ गई है किन्नू। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे किन्नू से मिलवाइए, तो ये मेरी बेटी है किन्नू। देखिए, तो देख लिया। हाय, ये मेरा बेटा है जो आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि अपने बच्चों से मिलवाए थे। ये देखिए, ये मेरा बेटा है। तो अब सारे मिलके हम लोग मेला घूमने जा रहे हैं, तो आप लोग भी चलिए साथ में चलते। यहाँ पे हम बैठे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और मैंने कोशिश की कि मैं आवाज़ अपनी रिकॉर्ड कर पाऊँ, पर बैकग्राउंड नॉइज़ इतना था कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा था। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कौन कौन है। तो ये मेरे हस्बैंड हैं जिन्हें आप पहले भी मेरे नवरात्रि व्लॉग में देख चुके हैं। साथ में बैठे हैं, ये मेरे जेठ जी का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है उनका। उनके 3 बेटे हैं, तो ये उनका सबसे बड़ा बेटा है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का, हमने ऑर्डर दिया हुआ है। आप लोगों को हाय कह रहे हैं दोनों। अब मैं आपको और लोगों से मिलवाती हूँ। ये मेरा बेटा है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है सबसे छोटी वाली, और ये मेरे जेठ जी का दूसरा बेटा है, उसी का छोटा भाई है जिससे मैंने अभी आपको मिलवाया था। उसके साथ में है मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका बेटा है, और उसके साथ में जो है वो हमारे घर में काम करता है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का, हमने ऑर्डर दे रखा है खाने के लिए। खाना हमारा आ चुका है, हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद ही हम मेला घूमने जाएंगे, क्योंकि मेला घूमते घूमते कब टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमने सोचा कि उतना खाना पहले हम खा लें उसके बाद जाएंगे। यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम मेले घूमने जाएंगे। और ये मेरा बेटा है जो आपको हाय कह रहे हैं। तो सभी लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे मेला घूमने। अब हम लोग मेले में आ गए हैं और मेले में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये दशहरे से एक दिन पहले का सीन है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं दशहरे वाले दिन कभी नहीं जाती हूँ क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। और आप एक दिन पहले भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है दशहरे वाले दिन। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा भीड़ है। Yeah.
जब मैं झूले में शूट कर रही थी तो लोग बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे कि इसे क्या हो गया, लगता है पहली बार झूला झूल रही है, इस तरीके से वीडियो क्यों बना रही है। तो मुझे भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी। अब हम दूसरा झूला झूलने जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।